दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में एलएलबी फर्स्ट ईयर के जो हमें ओल्ड पेपर डाल रहे हैं 2022 के। तो भाई हमारा सेवन्थ पेपर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय का। तो इंग्लिश का पेपर है, लीगल इंग्लिश का। दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो इस पेपर को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि यार क्या होगा, कैसे करेंगे, क्लास ही नहीं लगी इसकी, तो बाकी तो क्लास दे ले ली हमने, इसमें क्या करें। दोस्तों ये इंग्लिश है, ये लीगल इंग्लिश है, जो आपकी बीए बीकॉम वाली इंग्लिश नहीं है, ये आपके लीगल इंग्लिश है। इसमें आपको लिखना होता है और इससे भी आपके अच्छे नंबर बनते हैं, ठीक है। देखिए मैं भी आपको बताने वाला हूँ, उसमें मैंने टेलीग्राम में आप सर्च कीजिए, वहाँ पे मैंने कुछ पीडीएफ डाली हुई है पहले की, वो आप देखिए। यूट्यूब में मैंने पहले वीडियो बना रखा है इंग्लिश के बारे में, उसको आप देखिए, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। बाकी हार्ड कुछ नहीं है, आप आराम से इसमें पास हो जाओगे, 60+ आपके बन जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा है, जिसको बताने लगे कुछ चीज़ है नहीं, आप इसको आराम से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इसमें यूनिट दिया हुआ है। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस बार आपकी जो यूनिट है ये आपकी आएगी एग्ज़ाम में, ठीक है। वो ऐसा है कि जैसे दो आएगी जिसमें दो सॉरी एक आएगी दो क्वेश्चन उसमें दिए होंगे, आपको दोनों में से एक करना है। थोड़ा कठिन है लेकिन आपको एग्ज़ाम में इस तरह देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये साइंटिस्ट ने यहाँ पे लीगल ट्रिम दिए हुए हैं, तो आपकी सीरीज में बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पे मोस्ट है, अल्टा वायरस वगैरह समन्स क्या होते हैं ये चीज़ें इसमें, तो ये आपको देख लीजिए एक बार इस पेपर को आप। बाकी इसमें बताने लायक कुछ है नहीं क्योंकि मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये पैसेज है, जैसा कि आप बीए बीकॉम बीएससी में करके आते हैं, ये देख देख के वो लिखने होते हैं क्वेश्चंस इसमें कहाँ पे हैं, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। आप इसको आराम से देख लीजिए, ये थर्ड यूनिट आपकी मे बी पेसेज टाइप में है, वन वर्ड्स, ये देख लीजिए इसको भी। आप वीडियो को पॉज करके देखिए दोस्तों, ऐसा तो भागते भागते मत देखना, एग्जाम भी आपकी जल्दी होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे चार नंबर की यूनिट है, कम्युनिकेशंस वर्ड, फाइव नंबर की है यहाँ पे रिसोर्स लीगल मैटर के बारे में पूछा जा रहा है, डिस्कस। यहाँ पे जो निबंध वगैरह है दोस्तों, इतना इतना बड़ा वाला कोई मैटर नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देना, इंग्लिश में इतने पेज वेज नहीं भरने होते हैं। और दोस्तों बताए लोग के अंदर तो क्या होता है कि थोड़े बहुत आपको लिखना होता है, सेक्शन वेक्शन सही होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं, इसमें कोई सेक्शन नहीं है, आपको आराम से बस लिखना है इंग्लिश में, और बाकी इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है। आप इसको वीडियो को पॉज कर आराम से देख लीजिए। ये यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट है, दो आपको करने हैं, यानी टू यहाँ पे बताने हैं फोर में से, ये क्या होता है बस आपको इसको डिफाइन करना, इतना ही काम है, बाकी कुछ नहीं है। दोस्तों ये वीडियो तो आपको मुझे पता है इंग्लिश का थोड़ा लगता है कि क्या होगा, लेकिन मैंने इसमें बारे में बता रखा है, आप YouTube पे देखिए वीडियो बनाया हुआ मेरा, लिंक मैं इसी जो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे आप टैप कीजिए तो आप उस वीडियो पे पहुँच जाओगे। टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे इसके बारे में बहुत कुछ मैंने पीडीएफ डाल रखी है इंग्लिश के बारे में, कैसे क्या करना होता है, इस वीडियो में क्या बताऊँ मैं आपको। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इश्यू है तो आप कमेंट कीजिए कि सारी इश्यू आ रहा है, उस पर हम देख लेंगे क्या करना है, वीडियो बना देंगे आपके लिए। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एलएलबी को, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।